एवरीवन, वेलकम टू एमएससी केमिस्ट्री। जो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर है। मैं डायरेक्ट कैलेडन जो हमारी बुक है उससे आपको इंट्रो करा रही हूँ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का। अगर आपको इस बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आप बता दें, मैं नोट्स बना के उसके आपको तब समझा दूँगी, ठीक है। सो जनरली क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए। सो इंट्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी हेट्रोसाइक्लिक होती हैं रिंग, वो कैसे होती हैं। तो देखो, अगर हमारी रिंग में नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, सल्फर एटम है एंड बेंजीन रिंग है, या सिक्स मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर रिंग है, और वन एक कोई भी कार्बन रिप्लेस है एन से, ओ से, एस से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से, इट मीन्स दैट दिस रिंग इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, सो जनरली इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि बेंजीन है एरोमेटिक रिंग है, इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे जो हेट्रोसाइक्लिक है वो एरोमेटिक है हमारी, और या नॉन एरोमेटिक है, जो भी है एंटी एरोमेटिक है, कौन सी रिंग होती है, ठीक है। सो क्या है, बिकॉज सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारी बेंजीन रिंग में, इन्हें साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होते हैं। सो एरोमेटिक बिकॉज इट इज़ एक्सपेंशनली स्टेबल होती है, ठीक है। और जो रिंग करंट है वो लार्ज केमिकल शिफ्ट देता है प्रोटोन की एनएमआर स्पेक्ट्रम में, एंड दैट्स व्हाई स्पेशल केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग सब्सटीट्यूशन रैदर देन एडिशन विद इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, इट मीन्स दैट जो हमारी ये हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग होंगी, ठीक है, जो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन कंटेन करेंगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक एज ए न्यूक्लियोफिली अटैक बिहेव करेंगी, ठीक है। सो दिज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग। यू कैन सी सी दिस फाइव स्ट्रक्चर्स, दिस इज क्यूनिन। क्यूनिन कंसिस्ट ऑफ एन इन इट्स स्ट्रक्चर, सो दैट्स वाई इट इज इंक्लूडिंग इन दिस। अदरवाइज क्यूनिन इज यूज एज ए ड्रग एंड यूज एज ए ड्रग एंड इट्स हैव डिफरेंट chemistry also, and this is antipyrene structure, this is tegamine structure, this is sulfapyridine structure, this is vigra structure. So these structures are here just because they contain an atom in their structure, so that's why they are here. Okay, now we have to know that value of piperidine, pyridine, pka value hame pata honi chahiye. Agar hum कोई भी जैसे कि टॉपिक है एमएससी केमिस्ट्री में पिराडीन का, पिपरडीन का, तो उसमें पी के वैल्यू हम हमारे से पूछी भी जा सकती है और हमें पता भी होनी चाहिए कि पी के वैल्यू कितनी है। 11.2 है, ठीक है। यहाँ पे पी के वैल्यू 9 है इमीन की, और पिराडीन की पी के वैल्यू 5.5 है। ओके, पिराडीन आयन, ये तो हमारी होगी पिपरडीन, एन पॉजिटिव टिपिकल इमीन हो गया अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और पिराडीन हो गया अगर हमारे पास लॉन पेयर है, और पिरिडिनियम हो गया अगर हमारे पास एन एच पॉजिटिव है। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर सम। नाउ पिरिडिन इज ए रीजनेबल न्यूक्लियोफिलिक फॉर ए कार्बोनिल। जो पिरिडिन है हमारा स्ट्रक्चर, वो क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, वो एज किस टाइप से बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफिलिक। ओके, एज आई टोल्ड यू, सो लेट्स सी दैट, आई थिंक विजिबल है जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, आप ये देखें सिर्फ। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से अपना क्लोरीन का जो बॉन्ड है यहाँ से निकल जाएगा क्लोरीन, और जो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है ये एरो शो करती है कि एक बार तो हमारा चार्ज इधर आ रहा है, एक बार चार्ज इधर आ रहा है, मतलब मल्टी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वाई टू एरोज शोइंग हियर। नाउ दिस इज पिरिडिन, सो दिस पिरिडिन व्हेन दैट बॉन्ड goes here, so here negative charge and here positive, so this will be attack here and this will be like that. Okay, this is acyl pyridinium ion reactive intermediate ho gaya, phir R2H dalenge hum, to pyridine as a leaving group. Okay, pyridine ek good leaving group hai, to R2H dalne ke baad humare paas R1 aur double bond R, to R2 aa gaya. To ye to tha hamare jo पिरिडिन है उसका सम इंट्रोडक्शन है, और नेक्स्ट में जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इसी में से कंप्लीट कराऊं, या फिर
आप अगर चाहते हैं कि मैं नोट्स बना के कंप्लीट कराऊं तो मैं आपको वैसे भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।